गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल तो बस ये है मॉर्निंग का टाइम सुबह रिचुअल्स कम्प्लीट करने के बाद आ, मैं सबसे पहले प्लांट में पानी डालने आ गई थी क्योंकि ये जो प्लांट्स मैंने रखे हैं ना ये छोटे छोटे मैंने जो आ, लिविंग एरिया का जो बालकनी है ना वहाँ मैंने रखा है तो यहाँ पे मैं जब चाहे तब पानी दे सकती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं आ गई थी और उसके स्कूल के लिए उसके टिफ़िन बॉक्स बनाने के लिए तो इसके लिए मैंने आज बना रही हूँ चुकंदर की पूरी तो इसको मैंने रात में ही छिलके काट के और थोड़ा सा बॉयल करके रख दिया था ताकि सुबह में ना टाइम सेविंग हो सके इसलिए और अभी इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है पीस लिया बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट बना लिया मैंने और इसको एक थाली में निकाल लिया अब इसका आटा मैं लगाऊंगी इसमें आटा मिला के तो मैंने दो से तीन कप आटा लिया है क्योंकि हम तीनों का ब्रेकफास्ट है ये इसलिए तो बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलता है आप थोड़ा सा अजवाइन डाल दो नमक डाल दो और कसूरी मेथी डाल दो बस इसी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कितने सारे लोग कच्चे चुकंदर को ग्रेट करके भी बनाते हैं बट वो थोड़ा सा ना उसमें कड़वापन जो होता है ना उसका अलग सा एक टेस्ट होता है वो नहीं हटता वो पूरी में भी आती रहती है तो आप उसको थोड़ा सा बॉयल कर लोगे ना तो उसका एक अलग सा ही ना टेस्ट आ जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है तो बस इसमें तीन चीज़ें डाल के मैं फटाफट से इसका एक डो बना लूँगी डो बना के मैं पंद्रह से बीस मिनट रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी आप चाहें तो रात को भी डो बना के फ्रिज में रख सकते हो बट तब तक मुझे आलू का भुजिया वगैरह काटना था तब तक मैंने इसको थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया है थोड़ा सा घी लगा दिया था ऊपर से उसके बाद छोड़ दिया उसके बाद मैं आलू का भुजिया बनाने आ गई हूँ तो पूरी के साथ तो आलू का भुजिया और अचार बहुत टेस्टी लगता है तो बस तीन ही आलू बनाएँ क्योंकि आरूस भी थोड़ा सा ही ले जाएगा और हस्बैंड भी ऑफिस जाते टाइम थोड़ा सा ही खाएंगे इसलिए तो इधर मैंने काट लिया है भुजिया अच्छे से आलू को छिलकर और सबसे पहले मैं आलू का भुजिया छौका लगा लूँगी आरूस ना बिल्कुल जो होता है जीरा राई वग़ैरह डाल के भुजिया बनाओ बिल्कुल भी नहीं खाता उसको आलू के साथ वो ब्लैक ब्लैक सीड्स नहीं दिखने चाहिए इसलिए तो बस हल्दी नमक डाल के मैंने सिंपल सा जो आलू का भुजिया होता है हमारी बिहारी स्टाइल वो बना लिया है अब एक बड़ा सा मैंने लोई ले लिया था इसकी बड़ी सी रोटी मैंने बेल ली थी ना ही बहुत पतली होनी चाहिए ना ही मोटी होनी चाहिए जो आ, बीच की जो होती है ना थोड़ी सी आ, पूरी जैसे हम पूरी बनाते हैं ना वैसे बिल्कुल उसके बाद फिर बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए यही जो कटिंग होते हैं ना फ्लावर्स आ, शेप के एंड स्टार जो मून आ, जो भी होते हैं ना टेडी बियर टाइप्स ये सारे शेप कटर जो होते हैं ना इसे कटिंग करके दे दो तो बच्चे को ना बड़ा अच्छा लगता है खाने में तो बस उसके लिए यही कटिंग कर रही हूँ मैं कटिंग करके और फटाफट से मैं उसके लिए पूरी आ, जो है वो छान दूँगी फ्राई कर दूँगी तो आर उसको जब भी मैं पूरी वगैरह कुछ भी बना के देती हूँ ना तो मैं प्रेफर करती हूँ कि घी में ही बना के दूँ क्योंकि मैं उसको रिफाइन नहीं देना चाहती इसलिए या तो ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ मैं या तो घी यूज़ करती हूँ मैं तो बस उसका पूरी में फटाफट से घी में घी निकाल लिया था मैंने और उसके बाद फिर इसमें हम तीनों का नाश्ता हो गया था तो बस ये फटाफट से इसको पूरी में फ्राई करके और उसका टिफ़िन जो है वो मैं तैयार कर दूँगी उसके जो स्नैक्स टाइम होते उसमें मैंने एप्पल काट के दिया था आ, उसके बाद फिर इसका टिफ़िन तैयार सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत ही आ, मुश्किल टाइम होता है मतलब इस टाइम में ना इतने सारे काम होते हैं अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना जिसको ब्रश भी आप ही को करवाना है नहाना भी आपको तभी तो फिर और भी मुश्किल हो जाती है जिनके बच्चे बड़े हैं ना जो ब्रश कर लेते हैं पोटी नहाना सब खुद कर लेते हैं तो मम्मी को बस किचन में ही टाइम देना होता है कि लंच उनका ब्रेकफास्ट ये सब करना होता है लेकिन आरू सभी छोटा है तो मुझे अभी छः महीने साल भर उसको और टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए तो बस ये सारा उसका टिफ़िन प्रिपेयर हो चुका था एंड उसके स्कूल जाने के बाद ना मेरा एक चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद मैं आ गई थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए क्योंकि क्या होता है ना अगर मैं इस बीच में टाइम निकाल के अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट ना करूँ ना तो फिर वो पूरे दिन हो ही नहीं पाता क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं ना कि आप बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते हो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है फिर क्या होता है ना कि हस्बैंड का ऑफिस जाना फिर अगर घर में रहते हैं घर से काम करते हैं तो फिर तीन चार बार चाय बन जाती है फिर मतलब थोड़े थोड़े बात करो मतलब काम करो तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है तो बस मैं सबसे पहले प्रेफर करती हूँ ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा भी मैं अपने लिए टाइम जरूर निकालूँ तो बस मैं अपनी एक्सरसाइज करने के लिए लग गई थी जिसमें चार पाँच योगासन करती हूँ मैं और जो हैंड फ्री एक्सरसाइज होते हैं वो मैं करती हूँ तो ये तो लोअर बेली फैट लॉस जो होता है ना उसके लिए है जो सी वगैरह होता है ना और जो नीचे लोअर में जो फैट हो जाता है ना उसको कम करने के लिए होता है तो ये धनुरासन इसको बोलते हैं तो थोड़े बहुत योगा मैं जानती हूँ तो मुझे ना बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती योगा वगैरह करने में वैसे हमारे सोसाइटी में क्लब वगैरह हैं आप जिम जा सकते हो योगा कर सकते हो बट मैं सोचती हूँ ना कि मैं जाने आने में जो टाइम लगाऊंगी ना आधा घंटा पौना घंटा उससे अच्छा मैं घर में ही खुद कर लूँगी है ना तो बस यही है मैं अभी कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज करने के बाद मैं आगे का जो काम होता है वो कंटिन्यू करूँ और ये जितने सारी आ... सारे एक्सरसाइजेस है ना सारे जो अपर बॉडी फ़ैट होता है ना उनका है क्योंकि आपका लोअर बॉडी फ़ैट उतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि आप जीन्स वगैरह पहनते हो तो थाईज थोड़ी सी भरी भरी अच्छी लगती है बट अपर बॉडी फ़ैट जो होता है ना उसका फ़ैट कम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ये मैं आ, फेस का जो कर रही हूँ एक्सरसाइज कर रही हूँ जो डबल चिन हो जाते हैं ना ये इसके लिए है फेस के भी बहुत सारे एक्सरसाइज आते हैं बट थोड़ा टाइम इन सब चीज़ों के लिए देना पड़ता है और ये सारे ना अपर बॉडी फैट के हैं जैसे कि हाफ पुशअप में कर रही हूँ तो ये सब उन्हीं के हैं कोशिश करनी चाहिए हमें वैसे भी हम होम में करके लाइफ में वैसे भी छुट्टी नहीं होती हमें तो बस काम सुबह अगर शुरू कर दो तो फिर रात तक काम होता ही होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने लिए आधा घंटा जरूर ही टाइम निकाल सकूं उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और फ्रेश होने के बाद क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था तो मैंने सोचा फटाफट से उनको भी मैं गर्म गर्म पूरी तल के नाश्ता दे देती हूँ तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा ली थी और एक तरफ़ फटाफट से मैं उनके लिए पूरी तल लूँगी और उसके बाद फिर इनका ये चले जाएंगे ऑफिस फिर मैं घर का जो सारा काम होता है ना वो करूँगी और लंच में आज मैंने छोले बनाने के लिए छोले रात को ही डाल दिए थे सोख होने के लिए तो मैं लंच का प्रिपरेशन भी थोड़ा बहुत मैं साथ में करती चली जाती हूँ तो फिर एक साथ ना बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होता बनाने का तो मैं छोले बनाने के लिए सबसे पहले मैंने छोले में बॉयल होने के लिए चढ़ा दूँगी जो इसमें सिंपल नमक और खड़े मसाले डाल के जो हम छोले बॉयल करते हैं ऐसे और अभी मैं इनको नाश्ता देने के बाद ना मैं थोड़ी देर ना दस मिनट बैठ तसल्ली से चाय पीऊँगी क्योंकि चाय पीने के बाद ना थोड़ी सी जो एनर्जी जो होती है ना वो बॉडी में आ जाती है ताकि हम अच्छे से काम कर सकें इसलिए तो अभी फ़टाफट से मैं हमेशा गुड़ वाला चाय ही पीती हूँ तो बस पहले मैं अपना चा, चाय छान के उसमें गुड़ मिला लेती हूँ फिर हस्बैंड के चाय में चीनी मिक्स करती हूँ मैं तो अभी ये इनका हो गया ब्रेकफास्ट तो अब सारा काम वाम मैंने कर लिया था अब बच गया है झाड़ू पोछा करना तो बस अभी वही मेरा झाड़ू पोछा हो रहा है और उसके बाद मैं नहा लूँगी नहा के आज है थर्सडे तो थर्सडे पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं आराम से लंच बनाऊँगी तो जैसा मैंने बताया था कि मैंने छोले पहले ही सुबह में ही बॉईल करके रख लिए थे और इधर से मैंने चॉप कर लिए हैं सारे प्याज और टमाटर वग़ैरह तो बस मैंने एक पैन में डाल दिया है सरसों का तेल उसमें डाला है मैंने हींग और थोड़ा सा जीरा दो की सूखी मिर्च क्योंकि सारे खरे मसाले मैंने छोले बॉयल करने में ही डाल दिए थे इसलिए एंड उसके बाद मैंने आज पिसा हुआ प्याज बिल्कुल यूज़ नहीं किया मैंने बिल्कुल ही चॉप कर लिया था फ़ाइन चॉपिंग जो होती है ना वो मैंने कर लिया था एंड उसके बाद फिर प्याज को थोड़ी देर भूनेंगे इस छोले का भी टेस्ट अलग आता है और इधर मैंने मिक्सी जार में अदरक लहसुन और हरी मिर्च इन तीनों को पीस लिया था क्योंकि इसको कितना भी फाइन चॉप करो ना तो फिर वो वाला छोले में टेस्ट नहीं आता राजमा में इसलिए तो बस इनको मिला के मैं हल्के से इनको भून लूँगी जब इनकी खुशबू आ जाएगी तो फिर जो आगे का मसाला है वो ऐड करूंगी तो आगे का मसाला में बस वही है हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर दगी मिर्च कलर के लिए थोड़ा सा गर्म मसाला हो गया बस अब इनको भी अच्छे से भूनूंगी अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी आ, मैं ऐड करूंगी और टमाटर जो मैंने फाइन चॉप करके रखा था वो टमाटर भी इसमें ऐड कर दूँगी मैं और उसके बाद इसको ना थोड़ी देर भूनेंगे पाँच से सात मिनट में ना आराम से ये मसाला भून के तैयार हो जाता है और छोला तो मैंने ऑलरेडी ही बॉइल करके रखा हुआ है तो बस उस छोले में मिला के फिर मैं दो तीन सीटी लगा दूंगी मैं जब भी छोला राजमा बनाती हूँ ना तो एक दो सीटी कम लगाती हूँ ताकि मसाला भूनने के बाद मिक्स करने के बाद भी एक दो सीटी लगाऊँ तो मुझे अच्छे से लगता है कि हाँ सारे छोले में ना मसाले अच्छे से ऑब्जर्व हो गए मिल गए हैं तो कसूरी मेथी थी मिला के मैं इसको फटाफट से आम में सारा मसाला मेरा भुन चुका है लगभग भुन चुका है एक मिनट और ये भुनेगा उसके बाद मैं छोले में कर दूंगी इसको मिक्स मिक्स करने के बाद ऊपर से मैं पंजाबी छोले मसाले जो तो है ना वो मैं ऐड करूँगी और छोले का जितना भी खरा गरम मसाला था सारा मैंने चुनकर हटा दिया है क्योंकि उसका जो फ्लेवर आना था वो बॉयल होकर आ ही चुका था अगर आप इसमें छोड़ देते हो ना तो फिर बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि उनके मुंह में अगर खड़े गरम मसाले आते हैं जैसे गोल मिर्च लौंग इलायची ये सब आते हैं ना तो फिर वो लोग मतलब कितने लोग इरीटेट हो जाते हैं इसलिए तो मैं हटा देती हूँ अभी इसमें छोला पंजाबी छोला मसाला जो होता है वो मैंने ऐड किया है अब इसको ढक के मैं तीन दो से तीन सीटी लगा लूँगी और धनिया पत्ता के साथ गार्निश कर लूँगी और ये था मेरा आज का छोले चावल पापड़ प्याज ये मेरा खाना तो कैसा लगा मेरा छोटू सब लोग बताइएगा जरूर सारे काम अकेले मैं कैसे मैनेज करती हूँ और उसके स्कूल सफाई क्लीनिंग लंच सब कुछ चलिए फिर मिलते